बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने सिख मतदाताओं से दूरी बनाई है। हमारा सिखों के साथ हमेशा सहचार रहा है। जो दो चेहरे हैं हमारे परिवार के, ये दोनों बाद में आए। हमने तो बहुत पहले से सुनैना का नाम तय कर दिया था। एक जो खास बात है वो ये है कि अम्बाला में पहली बार किसी सिख चेहरे को दावेदारी इनेलो ने दी है, अब ये क्या प्लान रहा, क्या सोचा? बात एक सिख चेहरे की नहीं, हरियाणा प्रदेश में सिखों की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने सिख मतदाताओं से दूरी बनाई है। हमारा सिखों के साथ हमेशा सहचार रहा है और सिख हमारा हमेशा मतदाता रहा है, इसलिए हमने ये तय किया था कि एक सिख उतारेंगे, चाहे वो जनरल की सीट पे उतारा जाए और चाहे रिजर्व सीट पे उतारा जाए। तो फिर ये जो अम्बाड़ा सीट है इस पे भी 6 लाख मतदाता जो है सिख है, तो फिर हमने ये तय किया कि यहीं से ही सिख चेहरा उतारेंगे और हम सिखों को बराबर का अधिकार देंगे हमारे। और हिसार में हम देख रहे हैं कि चौटाला परिवार के 3 लोग एक ही सीट पर मुकाबले में है सर, तो इसे कितनी मजबूती मानते हैं वहाँ पर इनेलो की? ये जो दो चेहरे हैं हमारे परिवार के, ये दोनों बाद में आए। हमने तो बहुत पहले से सुनैना का नाम तय कर दिया था। अब ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, ये वहाँ का मतदाता तय करेगा। मतदाता क्या फैसला ले, वहाँ का मतदाता जो है वो किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा है और मुझे बहुत भरोसा है उन लोगों के ऊपर कि वो अब की बार इनको भाजपा वालों को भी और जसपा वालों को भी और कांग्रेस वालों को भी इसलिए सबक सिखाएगा कि इन तीनों ने बहुत दूरी बना करके रखी किसान आंदोलन से। इन तीनों ने किसानों को परेशान करने का काम किया, तो अब मौका है, अब सबक देंगे, बदला लेंगे लोग।